नाचन विधानसभा क्षेत्र के कोर्ट में हुई भाजपा की चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नाचन भाजपा में खूब जोश भरा। जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि नाचन में विनोद कुमार 20 वर्षों तक लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। नाचन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को विशेष तरजीह देते हैं, जिसमें भाजपा विधायक विनोद कुमार का भविष्य भी सुनहरा होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। केंद्र की सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ कोई भेदभाव किया है। यदि इतना पैसा केंद्र की सरकार ने दिया है तो मैं यहां के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, राजा साहब से पूछना चाहता हूं, राजा साहब वो पैसा गया कहां? क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ? यह विकास कहां खो गया है हिमाचल? मैं जानता हूं कि कांग्रेस के लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दे सकते। बहुत विश्वास, बहुत भरोसा इस देश की जनता ने कांग्रेस पर किया, लंबे समय तक किया। आज क्या हालात हो गए? शिखर पर जो बैठा हुआ है राज्य में, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार क्या आरोप, और जो सरकार में मंत्री हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार क्या आरोप, फिर भी डंके की चोट पर जनता के सामने खड़े होकर वो वोट मांगते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नाचन भाजपा मजबूत है और बूथ स्तर पर नाचन भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाली सरकार आपकी है, सर्वे हो चुके हैं, एग्जिट पोल के माध्यम से आपने देखा होगा, माननीय धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमारी 7 सीटें लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 3/3 बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इस मौके पर सांसद रामसूर शर्मा ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर नाचन मंडलाध्यक्ष रविंदर राणा, महामंत्री हुकम ठाकुर, मंडला उपाध्यक्ष संतराम लाभ सिंह, दिलीप कुमार, मंडल सचिव पम्मा देवी राजू, मीडिया प्रभारी तेजेंद्र गोस्वामी, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष आफताब भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नाचन से संजीव कुमार की रिपोर्ट।